तो ऋषि को जी मुल्तान केद में भरवाई रोजा, देखो जी मुल्तान केद में गरबाई सारो बनकर कमली पकड़ पंजामे बनके कावली रे पकड़ पंजामे बनके कावली पकड़ पंजामे मेरा तू पहला रे पोता जगदम्बा म्हारी अज जी सुनो ओ जी ओ मेरा तू पहली वो पोचाए ओ अदरलल मारी वो विनती सुनो ओ थाने ये राजस्थानी मिट्टी का जो है ना इनसे खुशबू आती है ना, ये माटी की महक है। और उसके बाद गंगा सिंह रे रही मदद में अंग्रेज रीवा, गंगा सिंह जी रे रही रे मदद में अंग्रेज रीवा, माँ बड़ी अंग्रेज रीवा अंग्रेजारी माँ, गंगा सिंह रे रही मदद में अंग्रेजों रीवा, गंगा सिंह रे रही मदद में अंग्रेजों रीवा। ये गंगा शहर बीना शहर गंगा सिंह जी का बसाया हुआ, नोखा शहर गंगा सिंह जी का बसाया हुआ, और इसीलिए अंग्रेजों ने कुबद कमाई, अंग्रेजों ने कुबद कमाई, सुतोड़ा सिंह ने जगाई जगदम्बा म्हारी अज जी सुनो, थाने ओ थाने ओ थाने निभणे कडू वो बारंबारी भवानी मारी 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 अज जी सुनो, विनती सुनो मैया ओ अरज सुनो ये विनती तार दे तुम मैया इस गरीब को, तार दे तुम मैया इस गरीब को, खोल दे तू मेरे की नसीब को, मेरी मारा खोल दे मेरे की नसीब को, तार दे तू मैया इस गरीब को, तार दे तू मैया इस गरीब को, खोल दे तू मेरे भी नसीब को। और इसी के साथ सिंह गरज कर आयो धरण पर हाथ नहीं तलवार, सिंह गरज के आयो धरण में हाथ नहीं पकड़ा, मावड़ी वो हाथ नहीं पकड़ा ये हाथ नहीं पकड़ा, ओ जी मेरे भाई जगदम्बा थारे जगदम्बा म्हारी
अज जी सो राणो जात विराम दलु राम जसरा जात विराम दलु राम जसरा यजमल गर्वतार की अपनी मां मेणा देसु हट पकड़ बाबा रामदेव जी महाराज कपड़े रो घोड़ी घोड़ो मांगियो मां मेणा दे रेशम रो कपड़ो रूपा दर्जी ने दियो रूपो दर्जी चोरी कर दी बाबा रामदेव जी महाराज कपड़े रे घोड़े ने आकाश में उड़ा दियो रूपा दर्जी ने जेल में बंद कर दियो रूपो दर्जी जब अपनी गलती ने मानी तो बाबा रामदेव जी महाराज रूपा दर्जी रा फंद छोड़ाया लक्की बंजारो बाड़द ले आयो झूठ बोलियो कर्री चोरी टैक्सरी चोरी करने वास्ते लक्की बंजारो झूठ बोलियो बाबा रामदेव जी महाराज मिश्री रो लूण बना दियो लक्की बंजारो बाबा रामदेव जी महाराज रे पगा में पड़ियो तो वापस लक्की बंजारे ने माफ कर दियो बहिता बाणियारी जाज समदा में तराई और यूं करता करता बाबा रामदेव जी महाराज मोटियार हुआ। बाबा रामदेव जी महाराज जब मोटियार हुआ तो हर माता पिता अपने बेटे रे ब्यावरी कामना करे माता मैणा देरे मन में भी आयो कि रामदेव जी महाराज रामदेव बड़ो हो गयो कोई डंगरी जगह पर सगाई सकपण करो ब्यावरी बात चलाओ। एक दिन अजमाल जी महाराज ने मैणा देव जी जार कहो कि पतिदेव आप तो राज कार्य राज रे काम में ऊंचा नहीं आओ घर में दो दो बेटा जवान हो गया है और आपने बात रो पतो ही नहीं है। देखिए हर आदमी रा किस्मत हर आदमी रा भाग्य भगवान बेमाता लिख भेजा करे। अमरकोट में दलजी सोडा रहता दलजी सोडा रे एक बेटी जो जन्म री पांगली थी नाम तो नेतल अटी ने जैसे माता मैणा दे रे मन में चिंता हुई उसी प्रकार दलजी सोडा रे घर में भी एक दिन दलजी री लुगाई जार दलजी ने कहो कि थे तो राज काम में इतना उलझोड़ा हो और घर में आप पांगली बेटी है मोटियार हो गई है जवान हो गई है कटी कोई ठिकानो अपने बराबरी दा कोई सरदार देखो अपनी बेटी री सगाई करनी है थोड़ी बहुत तो चिंता आप भी मन में रखो। अमरकोट सोडा घरे अमर सो अमरी कोट सो डागरे ने कनिया जन्मी हो जी अजमल घर अवतार सो जारा लिखा विधाता दल जी के दो पुत्र भये कन्या एक प्राणपति अर्जी सुनो नेतल दे अपनी मां ने जार कहो कि मां
मारी सगाई ब्यावरी चिंता करनी आपने जरूरत नहीं है। पिछम धरा में रुणीचा नाम रो गांव और रुणीचा रा जो कुंवरसा है रामदेव जी बारे साथ में तो मारो भाव भाव रो रिश्तो है, भाव भाव रो संबंध है। और आप यदि कर सको, यदि मारा पिताजी ने समझा सको तो मारो तो लगन रामदेव जी रे साथ में यदि कर सको तो करनो। और मैं जन्मी मारे वास्ते लारला कई कई भवा में मारो संबंध दलजी री री पत्नी जार दलजी ने कहो कि पतिदेव सुनो हो बेटी रे मन री बात प्राण पति अर्जी सुनो रे कन्या कही सोबा अजमल घर अवतार से थे ब्याव करो गुण सा। जब ठाकुर साहब ने बात कही तो ठाकुर साहब राजी हो गया, ब्राह्मण देवता ने बुलाए सोनारो नारियल दियो और जगह बता दी, बोले रोणीचा गावरा ठाकुर साहब है अजमाल जी महाराज मारा बेटा है रामदेव, अपनी नेतल रो ब्याव रामदेव जी रे साथ में करनो है, आप उस नारियल लेर जाओ। ब्राह्मण देवता घूमता घूमता एक दिन रोणीचे आ गया। जार माता मैणा देव जी ने जान कहो कि मैं अमरकोट सु आयो हूं, अमरकोट रा सरदार, अमरकोट रे सिरदारा रो रिश्तो ले आयो। बाबा रामदेव जी महाराज खड़ा, माता मैणा दे और ब्राह्मण देवता आपस में बातचीत कर रहा है। माता मैणा दे मन में विचार क्यों कि घर आयो रे नाले रो अनादर नहीं करनो, बोले कि ब्राह्मण देवता आप तो अपने ठाकुर साहब ने जार कह दो कि मैं अपने बेटे रो ब्याह आपरी बेटी रे साथ में करने वास्ते तैयार हूं और 1,25,000 री मोहरा दे और ब्राह्मण देवता ने विदा कर दिया। रामदेव जी महाराज आ सारी बात सुन ली, रामदेव जी महाराज रे ब्याव नहीं करनो। रामदेव जी महाराज 80 बरस री उम्र धारण कर एक डोकरो बन और मंदिर में जात बैठ गए। ब्राह्मण देवता जाता जाता मैणा दे जी ने कह दियो कि मां कुंवर साहब केड़ा खे, मैं देखनी चाहूं कुंवर साहब रो। माता मैणा दे ने जब ब्राह्मण देवता कहो कि मैं कुंवर साहब ने देखनी चाहूं तो माता मैणा दे कह दियो कि वाप गांव रे बाहर पधारो बटे कटी आप रे संगी साथी रे साथ में खेलता वेला बैठा वेला तयो में वेला। ब्राह्मण देवता जार देखे तो रामदेव जी महाराज 80 वर्ष री उम्र धारण की ओडा बैठा। ब्राह्मण देवता कहो कि इतनो बूढ़ो आदमी ने तो अपने ठाकुर साहब बेटी नहीं दे रहे। जार मैणा दे जी ने माफी मांगी, बोले कि मां 80 साल रो डोगरो बैठो है और 80 साल रे डोकरा रे साथ में मारा ठाकुर साहब अपनी बेटी रो ब्याह नहीं करे। तब माता मैणा दे जा रामदेव जी महाराज ने समझाया, बोले रामदेव थारे जन्म रे कारण थने दुनिया में लाने वास्ते थारे पिताजी कितना कितना जतन किया और आज तू यदि ब्याह भी वास्ते इनकार कर देला तो तमर वंश आगे कैसे बढ़ेला। हे बेटा तू मान जा, थारी मां थने समझावे अपनी मां री बात मान। बाबा रामदेव जी महाराज अपनी मां ने हां भर दियो, बोले कि मां मारे ब्याह नहीं करनो पर मैं थारी बात ने नहीं टाल सकूं, ये वास्ते तू केवे जो मैं करने वास्ते तैयार। घर में ब्याह री तैयारियां शुरू हुई, माता मैणा दे उदास और उदास जब अपनी मां ने देखी तो रामदेव जी पूछ लियो कि बेटा मां थारे कहने से तो मैं हां भरी पर आज तू बिल्की बिल्की लाग रही कई बात है, तू उदास क्यों, थाने किन बात री चिंता है। तब माता मैणा दे आंखों में आंसू आ गया, बोली बेटा हरिला छा तो आई बेटा तुम्हारी सुगना क्यों नहीं आ, लाचा तो आई बेटा तुम्हारी सुगना क्यों नहीं आई, अरे बाई सुगना ने बेगी बेगी लावो दियो। लाचा तो आई बेटा सुगना क्यों नहीं आई, लाचा तो आई बेटा सुगना क्यों नहीं आई, मारी सुगना ने बेगी बेगी लावो दियो।
नाथ मारे कबरे अजी मावरा गुणी चिरा राजा है लो सांगलो जियो मख मख मारे कबरे अजी मावरा। रामदेव जी महाराज री दो महीना थी, मैं आपने पहले निवेदन कियो कि धनरूप सिंह जी रामदेव जी महाराज रा काका था और धनरूप सिंह जी री दो बेटियां थी, एक रो नाम लाछाबाई तो दूसरी सुगणा थी। लाछाबाई रो ब्याह पोकरण में कियो गयो। लाछाबाई और सुगणाबाई ने बीकानेर जिले में पुंगलगढ़ गांव में पुंगलगढ़ रे पढ़ियार और विजय सिंह जी रे साथ में सुगणाबाई रो लगन हुआ और पुंगलगढ़ रा पढ़ियारो ने अपने क्षत्रिय होने रो बड़ो अभिमान। तो रामदेव जी महाराज सामान्य गरीब आदमी री सेवा करता, रामदेव जी महाराज ऊंच नीच रो भेदभाव नहीं मानता, रामदेव जी महाराज असहाय पीड़ित लोगों री सेवा करता। और इन बात सो पुंगलगढ़ा पढ़ियार बड़ा बड़ा क्रोधी क्रोध में था, पुंगलगढ़ा पढ़ियार बड़ा नाराज था और इन वास्ते सुगणाबाई ने 12 साल तक सुगणाबाई ने पीहर नहीं भेजी। देखिए अठीने सुगणाबाई अपने भाई अपने माता पिता अपने पीहर ने याद करता था का आंखों में आंसू डा ढलकावे बोली बीरा सुगणा री विनती विदा के तो आजा बीरा रामदेव नहीं तो लिख भेज संदेह जी नेड़ो में आंसू पड़े जो सावन अठीने सुगणाबाई उदास उठी ने मां उदास। तो माँ जब रामदेव जी महाराज ने कहो तो रामदेव जी महाराज कहो कि माँ चिंता मत कर मैं अभी प्रबंध करूं सुगणा ने लाने रो। बाबा रामदेव जी महाराज रा एक खास भगत था जारो नाम तो रत्नो राय को। रामदेव जी महाराज रत्ना ने बुलाए, रत्नो हाजिर हो गए, बोले बाबा हुक्म कराओ। बोले कि हुक्म नहीं पुंगलगढ़ जानो है। रत्नो बोले कि गांव अब यूं तो कोई गयो तो मरुला। रत्ने दिमाग लगा और एक मरियल सी एक सांड थी दुबली सांड, बोले कि या तो ना पुगे रस्ते में आ मर जाए मैं पाछो हार कह दूंगा बाबा सांड मर गई बीजो। रत्न राय को वह मरियल सी सांड ले जब पुंगलगढ़ ने मार के रवाना हुए, बाबा रामदेव जी महाराज री ऐसी कृपा हुई कि वह मरियल सी सांड बाबा रामदेव जी महाराज री कृपा सो पुंगलगढ़ की तरफ भागती हुई जा रही। रत्न ने मन में भरोसा हो गया कि मारो बाबो मने मरने नहीं देला। अब रत्नो राय को थो वो तो बाबा री मस्ती में भक्ति में मगन हो। पुराने जमाने में कई सिस्टम था, रावड़ा में घोड़े चढ़ियोड़ो सांड चढ़ियोड़ो अंदर नहीं जानो साफो नहीं पैर तो ठाकुर साहब मिल जाता तो खमागणी अंदाता पगों में पड़नो पोतियों मिलनो पड़तो। रत्ना ने ये सारी बातों कोई पतो नहीं। रत्नो जो ही पुंगलगढ़ में प्रवेश कियो जार सीधो रावड़ा में सांड पर बैठो बैठो चलो गयो। सामने सुगणाबाई का पति देव विजय सिंह जी बैठे और सांड रे ऊपर बैठो बैठो जब रत्ना ने आओ तो देखियो तो दूर से आवाज लगाई बोले आ कौन है। थोड़ी बहुत मर्यादा नहीं जाने रावणा में सांड ऊपर बैठो बैठो आ गयो कौन है थारो नाम का ही है। रत्नो बोले कि ओ तो मु रत्नो कठू आयो। बोले कि रामदेव रासू मारा बाबा रामदेव जी मने भेजो है। इतनी बात करते ठाकुर साहब रो क्रोध और बढ़ गयो। बोले कि चुप खबरदार है और बोलिया अरे उन रे कामड़िए जो रत्ना नाम मती लीजे घेरोला खेतड़ी रे माई जियो घेरोला खेतड़ी रे माई जियो खम्मा 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 वो पवारी आजी मामला रुणी चेरा राजा है लो सांबलो जियो खम्मा 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 रे कवरी आजी मामला। बोले जमल गरवतार की।